भगवान की भक्ति में लगातार अपना नियम बनाकर निरंतरता यदि बनी रहेगी तो आपका ये नियम आपको जिताएगा। निरंतरता का प्रतीक गंगा की जलधारा है और निरंतरता का प्रतीक भगवान शिव के मंदिर में कछुआ भी एक प्रतीक रूप में रखा जाता है। कहते हैं कि बहुत उछलने वाला, तेज दौड़ने वाला खरगोश हार जाता है, लेकिन लगातार चलने वाला कछुआ जीतता है। तो यदि आप लगातार अपनी गति को बनाए रखें, वो बुद्धिमान भी पीछे रह जाते हैं जो लगातार अभ्यास नहीं करते, लेकिन जो लगातार अभ्यास करते हैं औसत दर्जे वाले भी बुद्धिमानों से आगे निकल जाते हैं। इसलिए अगर आपके पास शक्ति कम भी हो तो भी घबराना नहीं, निरंतर लगे रहिए, आपका भाग्य बदलेगा जरूर, दयालु दया करेंगे जरूर। तो निरंतर अभ्यास, निरंतर कर्म, ये अभ्यास ही तो है जो किसी भी कमजोर को शक्तिशाली बना देता है। और जो अभ्यास को छोड़ देते हैं वो कितने भी बुद्धिमान, योग्यता वाले, प्रतिभावान, बलवान, गुणवान, विद्वान कैसे भी हों, वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए निरंतरता चाहिए। निरंतरता बनाए रखने के लिए अंदर अग्नि चाहिए, जो अग्नि आपको जगाए रखे, जो आपके अभ्यास को बनाए रखने के लिए काम आती है। वो आग ठंडी मत होने दीजिए। मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ आगे जाना है, मुझे अपने वक्त का ध्यान रखना है, मेरे पास जितना भी वक्त है इस दुनिया में उतने से मैं कुछ न कुछ अपनी पहचान बनाऊंगा, मैं इस दुनिया की भीड़ का हिस्सा बनकर भेड़ बकरियों की तरह जीने के लिए नहीं आया हूं। जब आप ये सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में रोने धोने के लिए हमें जन्म नहीं मिला, हमें मुस्कुराने के लिए, आनंदित होने के लिए, कुछ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जीवन दिया परमात्मा ने, इसलिए आगे बढ़ना बढ़ना बढ़ना, ये मन में भावना रखिए। ये आग जलेगी आपकी तो बात बनेगी। और अगर आपने कह दिया अब कुछ होने वाला नहीं, किस्मत में जो होना था हो गया, क्योंकि किस्मत में जो कुछ होगा, भाग्य में जो कुछ होगा, भाग कर आएगा हमारे पास। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, भाग्य में जो कुछ होगा भाग कर आएगा ही, और जो भाग्य में होगा नहीं वो तो भाग जाएगा ही। तो सिर पकड़ के लोग बैठे रहते हैं। इसलिए जो ऐसे भाग्यवादी बन जाते हैं वो अपने जीवन में कहीं भी गति नहीं कर पाते। जो कर्मशील होते हैं वो अपना भाग्य बना लेते हैं। समस्या ये है कि हमारी आदतें इतनी प्रबल होती हैं कि वो जीत जाती हैं और हमारे अंदर के संकल्प और हमारे अंदर का गुण ज्ञान सब फेल हो जाता है। कितनी भी कोशिश करें आदत वहीं ले जाएगी आपको। चोर चोरी छोड़ देगा लेकिन हेरा फेरी तो फिर भी करेगा। ये मन जो है ऐसा चोर बना हुआ है, ये हेरा फेरी करता जरूर है। सब कुछ छुड़वा दिया, हेरा फेरी नहीं करना, मन शांत रखना, उसके बाद भी उसका मन नहीं लगता बिना हेरा फेरी के। बच्चों ने कह दिया सब कुछ तो है हमारे पास, अब आप रिटायरमेंट का जीवन जियो और शांति से रहो, तो उसके बाद मन में तो गड़बड़ है ना। तो किसी मित्र ने पूछ लिया, अब तो आप खुश दिखाई दे रहे हैं, हेरा फेरी भी नहीं करते। बोले नहीं, छोड़ दिया सब कुछ, अब तो बस मैं मंदिर में जाता हूं और वहां जाके जो लोग सत्संग में बैठे होते हैं ना उनके जूते बदल देता हूं। आधे घंटे तक ढूंढते ही रहते हैं, मैं दूर खड़ा होके मजा लेता हूं। बिगड़ता किसी का कुछ नहीं, चोरी किसी की कुछ नहीं जाती, लेकिन वो जो थोड़ी देर तक भागते भागते हैं ना, फिर बड़ा मजा आता है। कुछ लोगों को बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है, उनको ऐसे काम करने में मजा आता है, उनकी ऊर्जा विघटन में लगी हुई होती है।
आदतें इतनी प्रबल होती हैं कि वो सिर पर चढ़कर बोलने लग जाती हैं, इसलिए आपको सबसे पहले आदतों पर ही काम करना चाहिए। ये जन्मों तक आगे तक जाती हैं। छोटे से बच्चों में भी कभी कभी देखने में आया, बहुत गुस्सा, बहुत जिद, अभी बोलना भी नहीं सीखा, नीले पड़ जाते हैं गुस्से में, क्योंकि पिछले जन्म के आदतों के प्रभाव उसके अंतकरण पर हैं। ये आदतें जन्मों तक रुलाएंगी, इसलिए अच्छा यही है इसी जन्म में अपना उद्धार, अपना सुधार करना शुरू कर दीजिए। करोगे कैसे? किसी भी एक आदत को 20-21 दिन तक लगातार दोहराइए, वो बन जाएगी। और किसी आदत को छुड़ाना हो, हटाना हो, 40 दिन लगातार उसको छोड़ने का अभ्यास कीजिए, और इतनी लगन होनी चाहिए। और अंदर ये आग बनाए रखो कि मेरी यात्रा शुभ की यात्रा है, तो शुभ कल्पना, शुभ विचार मन में कल्पना भी लाओगे तो शुभ कल्पना लाइए, अच्छी कल्पना लाइए। क्योंकि जब आप अच्छी कल्पनाएं लाते हैं तो ये ध्यान रखना, वही आपके सपने बनते हैं, वही साकार होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे ना, हमारे देश के राष्ट्रपति, उन्होंने युवकों के बीच में यूनिवर्सिटी में बोलते हुए कहा था ना कि सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और अपने वो नहीं है जो रोने पर आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। तो आपकी जिंदगी में कल्पनाएं भी अगर शुभ हैं तो सपने वही बन जाएंगे, वही आप खुली आंखों से, जागती हुई आंखों से देखोगे, और वही साकार भी होंगे, और वही प्रार्थना भी करोगे आप। तो शुभ का स्वागत करिए, शुभ विचार लाइए, शुभ कल्पना करिए, और शुभ भावना भी बनाओ। तो एक होती है दुर्भावना, एक होती है शुभ भावना, उसे सद्भावना भी कहते हैं। सद्भावनाएं आपके उन्नति के लिए जिम्मेदार हैं, और दुर्भावनाएं अधोगति के लिए। दुर्भावनाएं आ ही जाती हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर दूसरों की तरक्की देखते एकदम जलन होनी शुरू हो जाती है। किसी के मकान के मुहूर्त के समय में गए और मकान को देखते ही अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है, और बाहर से क्या बोलते हैं, हार्दिक शुभकामना। अंदर से जल रहे हैं, बाहर से बोल रहे हैं हार्दिक शुभकामना, और अंदर दिखाई देते ही है कि हार्दिक जलन, पूरी तरह दग्ध हो गए। ये दुर्भावनाएं आंखों से झांकती हैं, सामने वाला भी देख लेता है कि ये बाहर से बोल कुछ रहा है, आंखें कुछ और बता रही हैं। जैसी तरंगे हम लोग भेजने लग जाते हैं, वही सब चीजें हमारी तरफ भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम सद्भावनाओं को अपने अंदर उत्पन्न करें, दुर्भावनाएं आए तो तुरंत हटाइए। शुभ का स्वागत जब आप करेंगे तो फिर शुभ दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब शुभ दृष्टि होगी तो सृष्टि संसार भी शुभ दिखाई देगा। चोर को दुनिया चोर दिखाई देती है, बेईमान को बेईमान, भक्त को सब भक्त दिखाई देते हैं। रोगी को तो यही लगता है सारी दुनिया ही बीमार पड़ी हुई है। तो क्या करें, शुभ दृष्टि अपनाएंगे, देखने का नजरिया बदल लीजिए। ये जो IQ लेवल है ना आपका, ये जब अच्छा हो जाता है तो आप इसी के जरिए दुनिया में सद्भावनाएं बनाते बनाते आशा, उत्साह, उल्लास के विचार बनाने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार मन में बनाएंगे तो अच्छी चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग।
80% अगर आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आनी शुरू हो जाए तो आपका भाग्य बदलने लगता है। ज्यादातर देखने में आया है कि 80% नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं, 20% ही शुभ आता है। तो अपने अंदर बदलाव करके देखिए, आपका बाहर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। अंदर बदल कर देखिए, आपकी किस्मत बदलेगी, आपका संसार बदलेगा और आपके लिए आपका भाग्य भी बदलना शुरू हो जाएगा।